बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज बहुत मज़ेदार रेसिपी है और मेरी भी बहुत फेवरेट है, घर वालों की भी। तो मैं बना रही हूँ मिक्स दालें, वो भी चिकन डाल के, हलीम की तरह इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर एक कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और इस कुकिंग ऑयल में मैं एक कप के करीब डालूँगी एक अनियन जो मैंने बड़े साइज़ का लिया था, उसे मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है इसमें डाल के। तो इसे हम लोग फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, अब इसे फ्राई करेंगे। बस ब्राउन नहीं करना, पिंकिश टोन में आएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी और साथ में मैंने ली थी चने की दाल और साथ में माश की दाल ली थी। इन चारों दालों को मैंने हम वज़न लिया है तो तकरीबन ये दो प्याली के करीब बन गई थी। और मैंने इसे वॉश करके गर्म पानी से भिगो दिया है, तो साइड पे मैं इसे कुकर में रख के गला लूँगी ताकि टाइम की बचत हो जाए। और गैस के जो हालात हैं आप जानते हैं, तो इस वजह से साइड पर मैं इसे ना कुकर में डाल के तो इसे गला लेती हूँ। यहाँ पर देखे मैंने दालों को डाल दिया है कुकर में और तकरीबन मैंने खुला पानी डाल दिया है और ये हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। जस्ट मैं नमक डाल के इसे 10 से 12 मिनट के लिए चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब खुला पानी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं वेट लगा दूंगी, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट वेट लगाएंगे क्योंकि दाल को मैंने आधा घंटा गर्म पानी में भिगोया है, तो इस तरह से ये गल जाएगी। तो यहाँ पर प्याज जो है हमारा लाइट पिंक होना शुरू हो चुका है। अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हाई किया हुआ है, इसे भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। जब आप हौसला अफजाई करते हैं दिल खुश होता है। और बस गैस के हालात में कुकिंग करना बहुत टफ है आजकल। अदरक लहसुन और ये प्याज फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने देखें हड्डी वाला गोश्त लिया है, तो ये ज़्यादा चेस्ट और थाई के पीसीस थे, तो इस तरह से मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसे कट कर लिया है। तो आप किसी किस्म का भी इसमें बोनलेस भी ले सकते हैं। तो ये चिकन तकरीबन 500 ग्राम के करीब है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छे से चिकन का कलर चेंज हो। और फ्लेम को आप हाई रखें, यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन के साथ। मैंने 5 से 7 मिनट फ्राई किया है और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी, तो मैंने इन टमाटरों को चॉप कर लिया इस तरह से चॉपर में डाल के। आप वैसे भी रफली कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर लिया है नमक लिया है, गला बहुत ख़राब है मेरा, सॉरी थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि गला ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लिया है भुना कुटा ज़ीरा और 1.5 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने लिया है भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून मैंने क्रश रेड चिली ली है। तो मैं इस दाल को ज़रा स्पाइसी करके बनाऊँगी और बिल्कुल हलीम की तरह बनेगी। तो मैंने मसाले ज़रा तेज़ रखे हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छे से इसकी करनी है हम लोगों ने भुनाई। तो ये जो मिक्स दालें हम लोग चिकन में डाल के पका रहे हैं, यहाँ पे इसका कोरमा बहुत टेस्टी बनना चाहिए। इसी से इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो हलीम टाइप दाल बनेगी ना बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब ये कोरमा मज़ीद मज़ेदार करने के लिए इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल दूँगी ये दही, इससे बहुत ज़बरदस्त और ही फ्लेवर आएगा। तो बस इसे हम लोग भून लेते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी। अब इसे कवर करके इतना गला लेंगे कि चिकन अच्छे से हमारा गल जाए और इसे के हम लोग इसके अंदर ही अच्छे से रेशे कर लेंगे। कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन के साथ, मैंने 5 से 7 मिनट फ्राई किया है और यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी, तो मैंने इन टमाटरों को चॉप कर लिया इस तरह से चॉपर में डाल के।
आप वैसे भी रफली कटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त किस्म का कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो मैं इसे इस तरह से स्पैचुला की मदद से बोटियों को मसल रही हूँ ताकि इसके रेशे बन जाएँ। तो दाल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। हमें इसी तरह की घुली हुई दाल चाहिए थी, तो अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए ये जो कोरमा हम लोगों ने तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसका अलग से भगार भी तैयार करते हैं जो ऊपर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा लिया है, दो तेज़पात लिए हैं, 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं, थोड़े से ये दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और बड़ी इलायची ली है। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हम लोग इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल और भिगार तैयार कर लेते हैं। इसके साथ ना दाल का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इस दाल को हम लोग घोटा लगा सकते हैं किसी घोटने की मदद से भी, या आप इस तरह चम्मच के साथ भी इसकी मिक्सिंग कर लें। आलमोस्ट वैसे दाल तो गल चुकी है, लेकिन मज़ीद आप इसे मैश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया मिक्स कर देंगे, ये मैंने अभी धोया है कटिंग करके, इसे अच्छे से मिट्टी वगैरह निकल जाए। और इसके साथ ही भगार डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले दाल हमारी रेडी हो गई। चावलों के साथ मैं बना रही हूँ ज़ीरा राइस, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं बासमती, जिसे मैंने भिगो दिया। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख लिया है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे देखें चावलों को मैंने साफ़ करके भिगो दिया था। ये तकरीबन चावल जो है वो आधा किलो के करीब हैं, ये अच्छे वाली बासमती है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, पानी को बॉयल आना स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग साथ ही इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। और ये हमारे चावल बहुत अच्छे बने, खिले खिले बने। तो इसमें आप 1 टेबलस्पून के करीब सिरका भी डाल सकते हैं, इससे चावलों की लुक बहुत अच्छी आएगी। और अब इसे कवर कर देते हैं। तो ये देखें जी गैस हमारी जा चुकी है, बाकी प्रोसेस मैं सिलेंडर पे करूँगी। चावलों को मैंने सिलेंडर पे रख दिया है, तो जैसे ही ये 3 हिस्से इसके गल जाएंगे तो इसे मैं स्ट्रेन कर लूँगी। आपको मैं चावल चेक करवा देती हूँ। तो देखें हमारे चावल सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें। तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाही में कुकिंग ऑयल डाल दिया और ये 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल है। अब मैं इसमें डाल दूँगी साबुत मसाले। ज़ीरा राइस बना रही हैं तो इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 3 से 4 लौंग है, 2 ये मैंने ली हैं साबुत काली मिर्च ली है, और साथ में जो बड़ी इलायची ली है, और बादियान के फूल है, दालचीनी के स्टिक्स है। बस इसे हम लोगों ने 1 मिनट के लिए कड़कड़ा लेना है, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है ताकि इसका फ्लेवर जो है वो कुकिंग ऑयल में शामिल हो सके। चलें जी, जस्ट इसे मैंने तकरीबन 30 सेकंड के लिए कड़कड़ा लिया है। तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे अपने राइस जो मैंने बॉयल किए थे, और अच्छे से डिश को साफ़ कर दूंगी। यहाँ पे बस फ्लेम मैंने अब मीडियम टू लो रखा है। अच्छे से मिक्स कर देंगे राइस को। चले माशाल्लाह से अच्छे से हमारी मिक्सिंग हो गई है। अब मीडियम टू स्लो फ्लेम, बल्कि हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, दम वाला जो होता है। और यहाँ पे दम लगाने से पहले इसमें मैं हरे मसाले डाल दूँगी। इसमें मैंने ये स्प्रिंग अनियन है, सब्ज़ धनिया है, ये 2 इस तरह से मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें। तो अब इसे कवर कर देंगे, और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इसे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। चलें चेक कर लेते हैं, 10 मिनट दम को हो चुके हैं। तो वाओ माशाल्लाह से हमारा जो ज़ीरा राइस है बहुत ज़बरदस्त खिले खिले तैयार हुए हैं। तो इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, साथ में जो दाल हम लोगों ने रेडी की है क्या ज़बरदस्त इसका कम्बिनेशन बनेगा। तो डिश में निकालते हैं ये ज़ीरा राइस। माशाल्लाह ज़ीरा राइस तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म की ये दाल है। दाल आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आपने हलीम बनाई हो, झटपट हलीम बनानी हो तो इस रेसिपी को फॉलो करें। और साथ में देखिए मैंने अचार के साथ सर्व किया है। तो चलें जी इसकी हम लोग कर लेते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ज़बरदस्त है, मैं ट्राई करने जा रही हूँ। इन जाने बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत मज़ा आया जब आप घर खाएंगे। आपको लगेगा जैसे रेस्टोरेंट ट्राई किया आपने ये दाल और हलीम।
राइस आपने खुद बनाए हैं, जिस तरह से लगेगा नहीं, मेहमान आए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, ज़बरदस्त रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।